बेटा, कल जो टॉपिक बीच में रह गया था, द जेनेटिक्स ऑफ ब्लड टाइपिंग ए बी ओ, मोस्ट करेक्टर्स जो है ह्यूमन बींग में, दीज आर कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स, ठीक है? टू जीन्स प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है? मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ कि जैसे कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है? ये 46 क्रोमोसोम में से जब एग को यानी ओवम को फर्टिलाइज करता है स्पर्म, तो आप 46 को एज ए 2n मान सकते हो डिप्लॉयड सेल में। तो ओवम जो है इसके पास होते हैं 23 क्रोमोसोम्स, मीन्स वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और स्पर्म के पास होते हैं 23 क्रोमोसोम्स, मीन्स वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसी से बनता है जाइगोट। और जो जाइगोट होता है 46 सेल्स का, सॉरी क्रोमोसोम्स का, ठीक है ना? इट इज़ 2n। तो जो देखा आपने कि 23 क्रोमोसोम एक सेट जो है ये स्पर्म लेके आता है मेल पार्टनर से, और ओवम जो होता है फीमेल पार्टनर, उसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 टोटल हो गया। अब जो 23 क्रोमोसोम्स ओवम से आ रहे हैं, यू कैन राइट देम ऐसे आप शो कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये जो 23 क्रोमोसोम है इनको हमने अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप एंड द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, इसके हिसाब से एक सिस्टम है जिसके हिसाब से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको फर्स्ट नंबर, इसको 3, 4, 5 ऐसे करके आगे तक, और ये है 23rd लास्ट वाला एक्स क्रोमोसोम। ये बड़ा होता है काफ़ी, फर्स्ट भी बड़ा होता है बेटा, साइज के हिसाब से रखा हुआ है, ठीक है? ये 23, इसके स्पर्म जो 23 लेके आया है वो भी ऐसे होंगे, ठीक है? उनको भी हम ऐसे ही रखेंगे, 23 क्रोमोसोम ऐसे करके करके, और ये लास्ट क्रोमोसोम। अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम है, मेल है ये जाइगोट, मेल में कन्वर्ट होगा तो वाई क्रोमोसोम छोटा होता है और एक्स होता है तो बड़ा होता है फीमेल के लिए। तो जो फर्स्ट क्रोमोसोम है या सेकंड थर्ड क्रोमोसोम है, ये आपस में होमोलोगस होते हैं, ये आपस में होमोलोगस होंगे। इसका मतलब क्या है कि दे आर हैविंग सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन, समझे आप? तो शेप, साइज, पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर तो सेम हो गई, साथ के साथ जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी सेम होगी इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्टिकुलर जीन यहाँ पर है इसके, जो कि कर लीजिए आप किसी भी, जैसे स्ट्रेट हेयर के लिए है, तो हेयर टेक्सचर के लिए, हेयर स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर सेम इसमें भी होगा जीन, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है? तो इनको बोलते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर उस इंसान का, कल मैं आपको बता रहा था कि क्या आगे करेक्टर पास ऑन होगा, वो डिपेंड करता है इस और इस जीन की इंट्रैक्शन पे। अब इसके थ्रू मैं आपको ए बी ओ ब्लड टाइपिंग बताने जा रहा था। अब इस पे ध्यान रखिएगा, ए बी ओ ब्लड टाइपिंग जो होता है, इट इज, ए बी ओ इज कंट्रोल्ड बाय थ्री जीन्स, ठीक है? या फिर आप यूँ कहेंगे थ्री जीन नहीं है, एक्चुअली दीज आर द एलील्स ऑफ, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेम जीन, थ्री एलील्स ऑफ सेम जीन, ठीक है? एलील्स का मतलब है एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म्स। ये जाके जेनेटिक्स में आने वाला है, तब आप समझेंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है ना? तो ये कौन कौन से हैं वो देखिए, एक है आई ए, ये एलील है, एक है बी, ये एलील है, और एक है आई ओ, ये एलील है तीन, और जीन है आई, ठीक है? इसी की तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये एलील्स हैं ये। अब सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या चक्कर है। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी एक ट्रेट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हेयर की बात कर रहे थे, हेयर स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रेट होगा या कर्ली होगा, वो डिपेंड करता है बेटा कि जीन कैसे हैं। सपोज करो जो स्ट्रेट जीन है ये डोमिनेंट है और ये है रिसेसिव। अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है? डोमिनेंट वो होगा जो अपने आप को शो करेगा। देखो, दो जीन आएंगे एक ट्रेट के लिए, आपने यहाँ पे देखा दो जीन आएंगे, मोस्टली सब में नहीं आते, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी होती है, वो बाद में बताऊंगा मैं। अभी देखो, डोमिनेंट वो होगा, देखो ये पेयर हो गया, पेयर हो गया। अच्छा, हम एस से डिनोट करते हैं फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ हेयर्स को, मान लो एस जीन है,
तो डोमिनेंट के लिए कैपिटल एस आएगा जो अपने आप को शो करता है, रिसेसिव के लिए आएगा स्मॉल एस। तो हो सकता है इन दोनों के पास कैपिटल एस हो, तब तो जीनोटाइप ये हो गया और डोमिनेंट है तो अपने आप को शो करेगा, इसका मतलब स्ट्रेट हेयर होगा। हो सकता है इसके पास स्मॉल एस हो, इसके पास कैपिटल एस हो, मतलब इसके पास जो जीन है वो रिसेसिव है कर्ली के लिए और इसके पास जो जीन है वो है डोमिनेंट के लिए, मतलब एक ही जीन के दो एलील हैं ये, ठीक है। तब इसका जीनोटाइप होगा ये वाला कैपिटल एस स्मॉल एस, लेकिन ये अपने आप को शो करेगा तो इसका भी स्ट्रक्चर जो होगा वो स्ट्रेट होगा हेयर्स का। लेकिन अगर यहाँ स्मॉल एस है और यहाँ पे स्मॉल एस है तो ये जीनोटाइप होगा। अब यहाँ पर डोमिनेंट है ही नहीं तो स्ट्रेट होगा ही नहीं, दोनों कर्ली है तो कर्ली के लिए तो कर्ली होगा। तो इसमें आप देखिए इस सिचुएशन में यहाँ पे तो सेम है स्ट्रेट कर्ली, यहाँ पर देखिए जो अपने आप को शो करता है वो डोमिनेंट कहलाता है, जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को शो ना करे वो रिसेसिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये डोमिनेंट रिसेसिव यहाँ पर भी लागू होता है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो डोमिनेंट कौन कौन से हैं, आई ए एंड आई बी, ये दोनों डोमिनेंट है बेटा, और रिसेसिव कौन सा है, रिसेसिव में आएगा आई ओ। फॉर एग्जाम्पल अब इसको हम करके देखें तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए, ये वाला, तो क्या होना चाहिए उसका जीनोटाइप इसकी तरह। देखो जो बाहर से दिखाई देता है जैसे स्ट्रेट हेयर कर्ली हेयर आप बाहर से देख सकते हो, उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। और जो फिनोटाइप को कॉज करे वो जेनेटिक मेकअप क्या है, जीन कैसे हैं, जीन के एलील कैसे हैं, वो कहलाता है जीनोटाइप। इस केस में स्ट्रेट है कर्ली है या फिनोटाइप है, लेकिन कैपिटल एस है स्मॉल एस है मतलब हेटेरोजाइगस है, हाइब्रिड है ये, या सेम है होमोजाइगस, दोनों सेम, ये इसका जीनोटाइप कहलाएगा। ब्लड ग्रुप के केस में ए में अगर सपोज करो इसके पास, मैं अब इसका एग्जांपल छोड़ के यहाँ पर एस को और स्मॉल एस को छोड़ के ये वाला लेते हैं एग्जांपल, ठीक है ना। अच्छा इसको छोड़िए अपन ले लेते हैं जैसे सिक्स पे है, देखिए इसके एग्जैक्ट यहाँ पर आई ए है कैपिटल ए, और सिक्स जो नीचे है इसके यहाँ पर है आई ओ, तो जीनोटाइप क्या होगा, आई ए एंड आई ओ, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया डोमिनेंट ये है तो ब्लड ग्रुप ये ए कर देगा, तो ब्लड ग्रुप ए वाले का जीनोटाइप क्या होगा, ए आर ए, ये दोनों हो सकता है ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप। इसी तरह से बेटा ये सिचुएशन भी आ सकती है जब दोनों ही डोमिनेंट हो, मतलब इसके पास है और इसके पास भी कैपिटल ए है, ये भी सिचुएशन आ सकती है। सेम अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो आई बी हो सकता है आई ओ, ये रिसेसिव है ये डोमिनेंट है ये अपने आप को शो करेगा, और दूसरी सिचुएशन हो सकती है ये, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो देखो यहाँ पे दोनों रिसेसिव थे तो कर्ली हो गया था, डोमिनेंट अपने आप को शो ही नहीं कर पाया क्योंकि है ही नहीं रिसेसिव, यहाँ पे रिसेसिव कौन है, यहाँ पे रिसेसिव है ये वाला, तो अगर ब्लड ग्रुप ओ है इसका मतलब दोनों ही ये होंगे, इनमें कहीं पे ए और बी नहीं आ सकता क्योंकि वो डोमिनेंट है, अगर वो आ गया तो वो वही बना देगा, ए आया तो ए बी आया तो बी, ठीक है। ऐसे ही ब्लड ग्रुप ए बी की अगर हम बात करें तो उसमें ए भी है और बी भी है, ये दोनों को डोमिनेंट हैं। इस केस में थोड़ा सा अलग है, इस केस में ऐसा नहीं है कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, ये को डोमिनेंस है क्योंकि दोनों ही एक साथ शो करेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दैट्स वाई ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा। को डोमिनेंस क्या है ये आगे हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, अभी आप इसको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं पूछे जाते हैं वो इस पे एक्चुअली पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। आई होप ये आपको ब्लड टाइपिंग कुछ समझ में आई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं WBCs, ओके?